गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ में सेकंड लेक्चर में दैट सेकंड सेशन में हम लोगों को चैप्टर था मैटर इन आवर साउंड। इसमें हम लोगों ने मैटर और उसके टाइप्स के बारे में देखा, स्टेट्स ऑफ मैटर को जाना, ठीक है, प्रॉपर्टीज को जाना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चूंकि जान चुके थे, इस वजह से टाइप्स ऑफ मैटर में जो आपको सॉलिड लिक्विड गैसेस था इनके भी प्रॉपर्टीज को जान लेना जरूरी है। तो पहला हम लिखे हैं फिगर ऑफ पार्टिकल, दैट मींस कि आप फिगर को समझ सके, अच्छे ढंग से जान सके कि सॉलिड लिक्विड और जैसे में पार्टिकल्स का कॉम्पैक्टनेस या प्रेजेंसी कैसे होता है। ये जो एक एक सर्कल दिया गया है, ये एक एक सर्कल एक सिंगल पार्टिकल को बताता है, ठीक है, या ये सिंगल है तो पार्टिकल लिख देते हैं, ये हो गया आपका पार्ट, ठीक। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा एक दूसरे पर, ये फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स का, ठीक है। देखिए वन बाय वन देखते हैं, सेम तो सॉलिड के बारे में कहा गया कि सॉलिड का सेम जो होता है वो डेफिनेट, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर मान लेते हैं कि कोई वुडन ब्लॉक्स अगर बना लेते हैं, तो क्या जैसे ये वुडन वुड का बना है तो ये सॉलिड है, तो ये अपने शेप को बदलता नहीं करता, इसका शेप कहीं रख भी देंगे कि यही रहे जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। तो ये अपने शेप को रिटेन रख सकता है, बट लिक्विड और गैस में क्या होता है, तो कंटेनर के शेप में, दैट इज शेप ऑफ द कंटेनर, ये सब कंटेनर के शेप में आ जाते हैं, ठीक है, शेप ऑफ द कंटेनर, ये सब कंटेनर के शेप, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे यहां और भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ हम लोग प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है स्पेस, ये कहने का सेंस यहां है कि स्पेस आपका स्पेस कितना है पार्टिकल्स के बीच। तो देखिए सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड के बीच कितना कम पार्टिकल के बीच का स्पेस है, देखिए ये हो गया स्पेस पार्टिकल के बीच का, तो यहां पर निगलिजिबल है ना, नॉट के बराबर, तो लिखेंगे कि स्पेस यहां निगलिजिबल है नॉट के बराबर, क्योंकि तो पार्टिकल्स बहुत ही अधिक क्लोजली पैक है, इस वजह से यहां जब ये स्पेस देखिए तो खाली जगह पार्टिकल्स को छोड़ करके जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि मोर देन सॉलिड, क्या सॉलिड से ज्यादा है स्पेस वॉल्यूम, गैसेज में देखिए तो यही स्पेस गैसेज में सबसे अधिक है, दैट मींस कि मैक्सिमम, ठीक है। आप इसके लिए भी आप मिनिमम की और डिफाइन कर सकते हैं कोई, तो सबसे अधिक स्पेस किसका, गैसेज का, क्योंकि पार्टिकल्स दूर है, इसका पार्टिकल क्लोज है इस वजह से मिनिमम, और इसका इतना टाइटली पैक्ड है दूसरे के कि एकदम नॉट के बराबर स्पेस है, यानी निगलिजिबल, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस, स्पेस क्या होगा, निगलिजिबल स्पेस क्या हो गया सॉलिड में, यानी कि लिक्विड के लिए रिमोट है सॉलिड से अधिक, और इसमें भी कोई दिक्कत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, तो देखिए सॉलिड पार्टिकल्स माना बहुत ही टाइटली पैक्ड है, दैट मींस कि इसका जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होगा, जो दो पार्टिकल एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा, लिख लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा
है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, यहां पर भी सभी का सभी पार्टिकल एक दूसरे पर, इसी को क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि गैसेज और सॉलिड और लिक्विड अगर तीनों में कंपेयर करें तो यहां पर बहुत ही टाइटली पैक्ड है, यानी कि सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स यहां सबसे अधिक होगा। लिक्विड का इसकी अपेक्षा थोड़ा सा जो होगा वो फोर्स कम होगा, तो लेस देन सॉलिड। और जो सबसे कम फोर्स जो होगा, सबसे मिनिमम फोर्स, वो गैसेज का दिक्कत। अब एक और कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, दैट मीन्स कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो कांट बी कंप्रेस्ड। सेम एज यू लिक्विड को भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका पार्टिकल ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर है, तो इसको भी हम लोग उतना कंप्रेस नहीं कर सकते, तो कांट बी कंप्रेस। और इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, कैन बी कंप्रेस। तो दिक्कत एक और डेंसिटी, क्योंकि पार्टिकल बहुत क्लोज है, वॉल्यूम भी ना के बराबर है, इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो गई, हाई हो, इसकी डेंसिटी लेस देन सॉलिड और इसका मिनिमम एकदम बहुत ही कम, नॉट बराबर। मेडिकल बॉइलिंग पॉइंट हाई, इसका डेंसिटी, तो ये सेम हो जाएगा, यानी मेडिकल बॉइलिंग पॉइंट भी आपको क्या हो जाएगा, इसका सॉलिड का सबसे अधिक, इसका सबसे कम और गैसेज का सबसे कम, नॉट बराबर। इसी के तौर पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बोलता है, तो डिफ्यूजन वाला भाग आप इससे ले सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है, दैट मींस कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे अधिक देखने को मिलेगा इसमें। पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर इसमें रहेंगे तो बहुत तेजी से काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा, जबकि उससे कम इसमें और सबसे मिनिमम। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आखिर होता क्या? तो कहा गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स called inter particle force। ठीक है, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में होती है, इसी को हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं। यानी अगर एक पार्टिकल और एक पार्टिकल अगर दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को अपने खींचेगा, तो कैसा होगा, है ना? ये भी उसकी ओर, यानी कि ये कहने का सेंस कि ये इसकी ओर खिंचाएगा और ये इसकी ओर खिंचाएगा, तब जाकर के ये फोर्स बनता है, और इसी फोर्स को हम लोग इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अब इसी को बोला जाता है इंटर मॉलिकुलर या इंटर पार्टिकल स्पेस का, द वैकेंट रीजन बिटवीन द पार्टिकल्स कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, जैसे अगर बहुत सारे अगर मान लेते हैं पार्टिकल्स अगर दे दे, तो इनके बीच में जो ये रीजन दिया है वैकेंट रीजन, इसी वैकेंट रीजन को हम लोग जो है इंटर पार्टिकल स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद जब ये
दे सकता है, ठीक है, और डेफिनेशन ये सब भी। तो आप लोग इसको जरूर शेयर में लिख लीजिएगा, और साथ ही साथ इसके बाद के टॉपिक भी आप लोग जरूर